स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी टुडे वी विल स्टडी अबाउट जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स स्टूडेंट्स इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी जनरेशंस थी हमारे पास में कंप्यूटर्स की उनमें आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला कंप्यूटर्स जिस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं इनिशियली इस टर्म को जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स कहा जाता है यहाँ पर हार्डवेयर में आपको चेंज देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पर आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में ही आपको चेंजेस देखने को मिले स्टूडेंट्स जनरेशन ऑफ़ कंप्यूटर्स की बात की जाए तो जो सबसे पहली जनरेशन है मेरे पास में उसमें हम देखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ सेकेंड जनरेशन में हमारे पास में ट्रांजिस्टर्स आ गए थर्ड जनरेशन में हमारे पास में आईसी चिप्स आ गईं धीरे धीरे एडवांसमेंट होता गया स्टूडेंट्स मोर प्रिसाइसली वी कैन से डैट द टर्म इज द डेवलपमेंट डेट चेंजेस द वे कंप्यूटर ऑपरेट्स मीन्स जितनी भी जनरेशन्स आई उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ और कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने का भी जो हमारा तरीका था वो चेंज हुआ हमें कंप्यूटर्स की बात की जाए तो उनके साइजेस में डिफरेंस देखने को मिला और यहाँ पे जो भी हमारे पास में स्मॉल सिस्टम्स आए दे आर मोर पावरफुल एंड स्मार्ट एंड चीप स्टूडेंट सबसे पहले हमें समझते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली है क्या कंप्यूटर एक ऐसा वर्ड है जिसको सबसे पहले रिफ़र किया गया था नाइन सिक्सटीन हंड्रेड एंड फोर्टीज़ में इट मीन्स वन हु कैलकुलेट डेट इज नोन एज कंप्यूटर एटीन नाइनटी सेवन में कुछ चेंजेस लेके आए गए इसके बाद में इसको कैलकुलेटिंग मशीन नाम दिया गया बट इन 1945 जब डिजिटाइजेशन हुआ और प्रोग्रामिंग के थ्रू इन कंप्यूटर्स को इंप्लीमेंट किया गया तो यह कहा गया दीज आर प्रोग्रामेबल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स देखिए पहले कैलकुलेटिंग uh, डिवाइसेस थी हमारे पास में जैसे एबिकस की अगर हम बात करें तो एबिकस एक ऐसी कैलकुलेट जिस जिसमें छोटी छोटी बीट्स लगी होनी थी जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी नाउ कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात की जाए ए कंप्यूटर इज़ ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिज़ाइन टू टेक इनपुट परफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट फास्ट स्पीड एंड प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ दीज ऑपरेशन्स कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका बेसिक वर्क क्या है इनपुट को रिसीव करना जो भी इनपुट मिला जो भी डाटा मिला उस डाटा पर प्रोसेसिंग करना ऑपरेशंस परफॉर्म करना लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकते हैं या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं इन कंपैरिजन टू मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग देखिए मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग में फ़ास्ट स्पीड नहीं मिलती है बट कंप्यूटर्स हमें फ़ास्ट स्पीड देते हैं और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए जो भी आउटपुट आया वो आपके आउटसाइड वर्ल्ड को शो करना स्टूडेंट्स अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ तो इसको कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजफली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च कहा जाता है दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नाउ सबसे पहला जो मकैनिकल कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेवज ने बनाया था ये हमारा एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है इसको और चार्ल्स बैवर को फादर ऑफ कंप्यूटर्स भी कहा जाता है देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और मैकेनिकल कंप्यूटर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर हम मैकेनिकल कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं मूवेबल पार्ट्स होते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में मूवेबल पार्ट्स नहीं होते हैं वो चार्ज पे वर्क करते हैं और मैकेनिकल जो कंप्यूटर्स होते हैं दे विल वर्क ऑन फोर्स मैनुअल फ़ोर्स इट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा मूवेबल पार्ट्स होंगे इसलिए इसको एनालिटिकल इंजन कहा गया नाउ स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यह हमारा एक ब्लॉक डायग्राम है बेसिक कंप्यूटर डायग्राम है क्या कि हमारे पास में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है इनपुट है आउटपुट है इनपुट माउस कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से इनपुट को रिसीव किया जाएगा इनपुट सबसे पहले कहाँ जाएगा आपका मेन मेमोरी में जाएगा मेन मेमोरी का इंट्रैक्शन आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से होगा कंट्रोल यूनिट से इसका इंट्रैक्शन होगा आउटपुट मेन मेमोरी के पास में आएगा और मेन मेमोरी प्रोसेसर मेन मेमोरी के थ्रू आउटपुट को शो करेगा आउटपुट में हमारे पास में मॉनिटर्स हैं प्रिंटर्स हैं देखिए ऑक्सिलरी स्टोरेज भी आता है ये भी एक आपका बेसिक पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम्स का नाउ स्टूडेंट्स हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे सबसे पहले हमारे पास में फ़र्स्ट जनरेशन की बात करें फ़र्स्ट जनरेशन जो थी वो आपकी 1946 से ले 1959 तक काउंट की जाती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेल्ब्स का यूज़ किया गया इनको हम वैक्यूम ट्यूब्स भी कहते हैं और इस पे जो बेसिक कंप्यूटर्स बेस थे वो हमारे पास में एनीएक, एडवैक यूनिवैक ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के जिन्होंने कि वैक्यूम ट्यूब्स को फॉलो किया देखिए जो वैक्यूम ट्यूब्स थी आप कह सकते हैं छोटे छोटे -छोड़ ट्यूबलाइट्स की तरह थी इन ट्यूबलाइट्स में नो एयर ओनली चार्ज फ्लोट होता था अब यहां पर जो सिस्टम्स बने दे आर मोर बिगर इन साइज इन कंपेरिजन टू 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 डेज कंप्यूटर सिस्टम्स इनका जो साइज था एक एक रूम्स के बराबर होता था और वैक्यूम ट्यूब्स की आपस में जो कनेक्टिविटी होती थी वो वायर्स के थ्रू की जाती थी अब देखिए जो भी कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि किस तरीके से इसके साइज को कम किया जाए अब सेकेंड जेनरेशन्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया नाउ एक वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से अब यहाँ पर कंप्यूटर का साइज है वो क्या हो गया रिड्यूस हो गया अब एक छोटे से आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स में बिट्स को सेव किया जाता है इसमें जो एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे वो आई वी एम सिक्सटीन ट्वेंटी है आई वी है सेवन थाउजेंड सी सी डी सी सी डेक कम्प्यूटर थ्री सिक्स थ्री सी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है सेकेंड जनरेशन में साइज में बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला बट स्टूडेंट्स यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये रही हमारे पास में कि ट्रांजिस्टर्स को भी कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपस में वायर्ड कनेक्शन किए गए साइज में रिडक्शन तो हुआ बट यहां पे हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती थी नाउ नाउ स्टूडेंट्स ट्रांजिस्टर्स इसके बाद हमारे पास में थर्ड जनरेशन आई थर्ड जनरेशन की बात की जाए तो थर्ड जनरेशन को नाइनटीन सिक्सटी फाइव से लेकर नाइनटीन सेवेंटी वन तक काउंट किया जाता है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखिए पहले क्या हो रहा था कि हम चिप्स का यूज़ ट्रांजिस्टर्स का यूज़ कर रहे थे अब आईसी में हम हमारे पास में एक स्मॉल, आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन प्लेट थी एक आईसी में थाउजेंड ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स को हम कंपोज कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन को एलिमिनेट किया गया और एक सिलिकॉन चिप पे सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इसे ही आपके इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया गया इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास में आई बी एम थ्री सिक्सटी है आई बी एम थ्री सेवेंटी है पी डी पी है नाउ स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास में फोर्थ जनरेशन आती है नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास में नेक्स्ट जनरेशन जिसमें कि हमने वी एल एस आई सर्किट्स का यूज़ किया गया देखिए ये जो जनरेशन है ये 1971 से 1980 तक इसको काउंट किया जाता है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स रहे वो थे आपके डेक टेन स्टार 1000, क्रे 1 वन एंड क्रे एक्स एम पी देखिए जो हमारे वी एल एस आई डिज़ाइन थे इसमें प्रीवियस जनरेशन थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया अब इसी को इन्होंने क्या किया कि जो आईसी चिप्स थी इन, इनको कंबाइन कर दिया गया पहले क्या था ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके आईसी चिप्स बनाई गई अब आईसी चिप्स को कंबाइन किया गया तो हमारे पास में एक लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिला क्योंकि इन कंप्यूटर्स की इस जनरेशन की देखिए जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो भी इसी जनरेशन में काउंट किए जाते हैं इनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज्यादा थी ये पैरल प्रोसेसिंग को इंप्लीमेंट किया गया फोर्थ जनरेशन में ये हमारे पैरल सर्किट्स की तरह काम करते थे नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन और इस जनरेशन की जो स्टार्टिंग फेज है वो नाइनटीन एटीज़ है और इसको अभी तक काउंट किया जाता है इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके सर्किट्स बनाए गए इंटीग्रेट सर्किट्स बनाए गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स को कंबाइन करके वी एल एस आई क्रिएट किए गए जो कि हमारे फोर्थ जनरेशन में काउंट किए जाते हैं इसके बाद में वी एल एस आइज़ को कम्बाइन किया गया और हमारे पास में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया जितने भी हमारे आप कह सकते हैं कि जो साइंटिफिक सर्वर्स हैं वो आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स को यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिला आपको यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर देखने को मिले देखिए नए फोर्थ जनरेशन में ही पैरेलल प्रोसेसिंग आई थी बट वहाँ पे हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम्स का वर्क यूज़ करते थे और फिफ्थ जनरेशन में हार्डवेयर में भी चेंज लेके आया गया जितने भी इसमें हमारे पास में डेस्कटॉप है लैपटॉप है नोटबुक है क्रोमबुक है अल्ट्रा बुक है जितने भी टूटेज सिस्टम्स हैं वो आपके फिफ्थ जनरेशन को ही फॉलोअप करते हैं स्टूडेंट मोर हम ये कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहा जाता है जिनको इसके बाद में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया गया फोर्थ जनरेशन में और फिफ्थ जनरेशन में पैनल प्रोसेसिंग हार्डवेयर में चेंज लेके आया गया और इसमें यू अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स का यूज़ किया गया आई होप यू हंडस्ट दो दिस लेक्चर थैंक यू